नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की थाना जनकपुरी में सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त पति व पत्नी को मृतका से लूटे गए जेवरात व नकदी सहित गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में बबलू कुमार SSP सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2017 को रात के समय थाना जनकपुरी क्षेत्र में अकेली रहने वाली अकीला खातून की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। सर्विलांस टीम द्वारा थाना जनकपुरी पुलिस के सहयोग से हत्या करने वाले अभियुक्तियों का पता लगाया गया, जिसके बाद आरोपी मुजम्मिल और उसकी पत्नी नेहा खान को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतिका अकीला खातून के दो कुंडल, दो अंगूठे, 50,000 रुपए की FD, एक सोने की चैन, 4,500 रुपए नगद व एक आला कत्ल छुरा बरामद किया गया है। थाना जनकपुरी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। 19 तारीख को एक 62 साल की महिला की हत्या कर दी गई थी और उसके घर से कुछ सामान भी लूट लिए गए थे। इस घटना पर तत्काल SPCT साहब के निर्देशन में CO2 थाना प्रभारी जनकपुरी और हमारी सर्विलांस टीम लगाई गई थी और 24 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त मुजम्मिल, जो कि मंडी का रहने वाला है, और उसकी पत्नी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके पास से जो भी सामान, जो ज्वेलरी के सामान, पैसे और मोटरसाइकिल जिससे वो गया था, इन सभी को उनके निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। जो पैसे मिले हैं और जो कुछ पेपर्स मिले हैं, उस पे खून के निशान भी हैं और उसने जिस आला कत्ल से, जिस छुरी से जो हत्या की थी, उसको भी अपने निशानदेही पे बरामद किया है। और इस प्रकार इस ब्लाइंड मर्डर चुनौतीपूर्ण घटना का 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने खुलासा किया है और पूरी टीम को हमारी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। मोटिव क्या था हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो मोटिव है वो बेसिकली ज्वेलरी और पैसे जो महिला की थी उसको ले जाने का था। करीब कुछ दिनों पहले ये लोग मिले थे और इन दोनों को लगा था कि उस महिला के पास ज्वेलरी है, पैसे हैं, और उस लालच में आकर उसके घर में घुसकर उसका मर्डर कर जो है वो सामान लूट ले गए थे।